अच्छा बाबूजी, हम गायिका रजनीगंधा और पूरे भोजपुरिया भाई लोगन के एक बार पांव छू के हम प्रणाम करत बानी, और आप लोगन के बीच में एक बिरहा के एक आप लोगन के बीच में हम कर्ण गावे जात बानी पूनम कंपनी से, और बड़का भैया प्रकाश भैया की देख रेख में हमके आशा नाही पूरा विश्वास बा कि हमरे बाबू भैया लोगन के और माता बहिन लोगन के अपने बिटिया के ए रजनीगंधा के आशीर्वाद आप लोगन जरूर दियन। बाबा आवा मास्टर। बाबूजी बड़ा आप लोगों ने कान सुन ले हो खब मंच के माध्यम से कैसेट के माध्यम से, लेकिन देखी ये कैसन कहानी बा भूमिका के अंदर भाव बा का। कौन राम कृष्ण भाई लक्ष्मण बनेगा, कौन बुध राणा बनेगा वो गाधी, कौन रावण बनेगा वतन का मसीहा, जो दिल से मिटा दे ए नफरत की आंधी, कौन अस्मत बचाए गयबलाओं का, रो रही द्रौपदी मरियम अनुसुईया सीता, हर दुष्टों की होते कहे कातिर जोखन, आज साक्षी हे धरती पर रामायण सीता। कवाली का टुकड़ा बा, कौनो दुलही अपने दुल्हा से बतावत है, जब ले गौना करा के ले ला कबू हमारे और मोड़ के देखला नहीं, जवानी रहल तब बम्बई मऊ जुड़ेला, आए बुढ़ौती में घर लौकल है तब कान खोल के सुन ला बतावत है का। ये कहलस वो रखले रहनी, अरे नयनावा में तोहा के बलम, हो रखले रहनी अरे नयनावा में तोहा के बलम, तू निकल के परैना हम का करे, कितना खूबसूरत कितना सुंदर भाव लिखले हुन ये समाज के प्रति, और बाहरे आज के लोग बाहरे आज के समाज कवि जी के लेखनी ये समाज के प्रति एक चेतावनी देले बेका कि मिट जाएगी अरे मनोता बफायो रहन, कि मिट जाएगी अरे मनोता बफायो रहन, सारी नफरत में दुनिया प्रेम उल्फत में कांटा और अंगार है, प्रेम उल्फत में कांटा और अंगार है, ये मोहब्बत की मैयत में।
लेकिन बाबूजी बिरहा के कहानी हमारे ही से शुरुआत हो गई कड़ी के अंदर भाव है मालिका। कलम कातिब की कविता बया सुधार रही बिरह की वेदना में दिल को अपने फार रही। दिल दर्द हुआ ये दर्दली कहानी पे धरा गमकीन हुई एक वाहन की कुर्बानी पे। जिला उज्जैन ग्राम बस रखी हकीकत है पता चले गया कि किसकी क्या नसीहत है। दे जन्म माँ बच्चों का साथ छोड़ चली भार सरिता के ऊपर देकर नता तोड़ चली। घटा मातम की आगे गिर गई यमराई में घटा मातम की आगे गिर गई यमराई में घटा मातम की आगे गिर गई यमराई में घटा मातम की आगे गिर गई यमराई में। पिता के मौत हुई पत्नी की तनहाई में आय हाय बाबूजी ये कहानी की आप लोगों ने समझ ली। जिला उज्जैन ग्राम बसरा गांव के रहे वाला एक गरीब आदमी जो ने मनई के नाम बतावल गई दशरथ मौर। दशरथ के पत्नी के नाम शांति और शांति के गोद में एक बड़ बेटी है जो ने बिटिया के नाम बतावल गई सरिता। दूठे भाई हुमन जो ने भैयन के नाम बतावल गई भरत शत्रुधन। पांच परिवार के जिंदगी के सहारा एक टूटही रिक्शा बाहो बाबू। घर में सयान बेटी पड़ल बे शांति एक दिन रो के कहली का हो सैया मेहनत मजदूरी करके 150 रुपया ले आवेला उससे मन के पेट के भोजन चली की बड़की बेटी के ब्याह कर दी। गांव घर के लोग ताना मरेला अड़ोस पड़ोस के ए सैया जियल मोहाल हो गई बा। दशरथ रोवत हुन के रे पगली हमरे पले कुछ रुपया ना बा हम ना हमरे पले खेत बा ना घर बा कि एक गांव वालन से कुछ उधार पैसा लेके बेटी के हाथ पियर कर दी। आय हाय बाबूजी बड़ की बेटी के विषय में सरिता के माँ शांति देवी सोच के रो रही है कि बारे भगवान जब हमें बेटी देला तो धन काहे ना देला आ जब धन ना देला तो के बेटी भी ना देवे के रहे। आय हाय बाबूजी यही सोच के वो शांति रो रही है। एक दिन के बाद बा सैया शाम के बेला बाटे मेहनत करके मजदूरी करके आयल हुन अगवा बैठ के खाना थाली में देले जर्जर जर्जर रोवत है ए सैया अब ई दुख अब लोगन के बात हमसे बर्दाश्त ना होत बा ये मन करत बा कि हम अपन जान दे दी लेकिन अब ये लोगन के ताना बर्दाश्त ना करी। समझावत हुन के रे पगली भगवान हमके बेटी देले हुन तो बेटी हमरे घर में है। ए गांव वालन के बोले दे शांति हम विश्वास रखत बानी कि भगवान एक दिन हमन के सुन लीहन लेकिन आय हाय बाबूजी गजब हो गिल रात के बेला बा पूरा परानी खा पी के सुतल बा लेकिन बाहरे मालिक शांति देवी के अचानक हार्ट अटैक हो गई। आ जब हार्ट अटैक हो गिल तो सरिता अपने माई के लाश पर गिर के रोवत बे कि का हो माई ई का कैलू केकरे सहारे हमके छोड़ के गैलू आखिर बचपन के कैसे हम जियाई। बाबुआ के धैर्य बनावत हुन समझावत हुन कि ए बेटी माई ना नहीं लेकिन ए पगली तोहन के खातिर नहीं बाबू माई हई लेकिन ध्यान दिहन बाबूजी जाऊन रोग में माई मारल गईली कुछ दिन के बाद वही रोग के शिकार बाबू भी हो गिलन। लाचार वो बेसहारा वो अबला एक लड़की दोनों भैयन के कोरा में लेके रो रही है और रो के भगवान से एक ओरहना दिलस बिरहा में तरज बा कौन गीत बा ये दरज के नमूना बा कौन दुलही अपने दुल्हन से सुहाग रात के बेला है वही घरे में मंगलस मंगलस हाँ ओ लाल मुनि का मंगल है सुना अरे छूछे जाने घूंघटा छूछे जाने घूंघटा हटाइए पलामू जी दी गुछ बुछी ना मुझे खाइए पलामू जी
भगवान, आपे के दिहल ये धरती पर हमर बाबू माई ना बचलन, आपे के दिहल ये धरती पर रहे बदे हमके घर ना बा ना खाए के अन्न बा, लेकिन हमरे पले दूठे भूजा बा, वो गरीब के बेटी अपने भाई के खातिर कही नहीं का कही नहीं। अरे रोवे सरिता पर के बाबू, रोवे सरिता पर के बाबू, रही आगे बाबू जी काटावा से भरल जेकर, रही आगे बाबू जी काटावा से भरल घूम घूम पर तनवा, अपने भाइन के खातिन गांव में घूम घूम के आन के चौका बर्तन करत बाड़ी, आन के बर्तन माज माज के बाबूजी, इतना ही नहीं जंगल में जाती है और लकड़ी काटती है, बाजार में बेचत बाड़ी वही रुपया से अपने भैयन के पढ़ावत में लिखावत में। एक सपना बाकी है भगवान, अगर हमार भाई कुछ बन जियन पढ़ लिख के तो हमन के गरीबी दूर हो जाई। बारे बहिन मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया भीख मांग मांग के बाबूजी पढ़ा लिखा के दोनों भाइन के, एक भाई के इंजीनियर और एक भाई के डॉक्टर बना के सरिता इलाहाबाद के धरती पर भेज देती है। इलाहाबाद में दोनों भाई आके अपना अपना ड्यूटी करने लगे बाबूजी। इतना ही नहीं ड्यूटी के करते करते धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, फर्स्ट क्लास के नई मकान नई गाड़ी और वही इलाहाबाद सिटी में दोनों अपने मन पसंद जूत लड़की देखकर शादी कर लिए। मकान मिल गिल, गाड़ी मिल गिल, दुल्ही मिल गिली, जिंदगी के जवन सुख चैन चाही तवन भैया लोगन के तब मिलत बा। लेकिन बार ए बहिन जवन बहिन मतारी बन के दर दर के ठोकर खा के पढ़ा लिखा के जवन बहिन इंजीनियर डॉक्टर बनौली हो बाबू, आज बहिन के लगे ना एक फोन और ना एक रोटी, आज रोटी के लिए तड़प रही है तरस रही है बाबूजी। शरीर पर फटा हुआ एक वस्त्र है, एक वस्त्र में पेउना लगा के कथरी जैसा गुथ गुथ के कैसे हूँ अपने तन के ढकले बाड़ी। ये बात के जब सरिता के पता चलल कि जो ने बहन के खातिन खून पसीना एक करके जंगल से लकड़ी बेच बेच के पढ़ा के इंजीनियर डॉक्टर बनौनी, वो भाई हमके भुला गेलन, शादी कर लेलन। आय हाय बाबूजी, जीव ना मानल, आन के दरवाजे पर जाके भीख मांग रही है कि बाबू रात बीत गिलबा खैले बेगर, दिन बीत गिलबा खैले बेगर एक रोटी दे दा। नौजवान जब धक्का मार के अपने दरवाजे से निकाल दिया बाबू, तो ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद के स्टेशन पर उतरी है और रेलवे स्टेशन पर उतर के रो के एक आवाज दी, क्या ब्राह्म एक गीत है मास्टर। ये दर्ज के नमूना कौनो दुलही के नई नई गवना भइल, ससुरे से नैहर में आइल सखी सलेहर पूछे लगली का हो सखी गइलू त कैसे बीतल, का खइलू त लोगन के बतावल जरूरी है। हां भाई,
बतावा थे का सेज चढ़त डर लगे मोर गोइया सेज चढ़त डर लगे मोर गोइया अरे सैया घूंघट पट खोले रे राजा घूंघट पट खोले हो बाबूजी वही रेलवे स्टेशन पर सरिता उतरल बाड़ी वो पगली बेसहारा वो लड़की सोच रही है कि इलाहाबाद इतना बड़ शहर बा आखिर हम जाई तो कौने और जाई वही रेलवे स्टेशन पर रोक एक आवाज दी क्या अरे जेकारा के खाती न बहाने सब कुछ लूटवली जेकारा के खाती न बहाने सब कुछ लूटवली ओके भुलाई गईना भाई हो ओके भुलाई गईना भाई हो जेकरा के खातिर बाहर सब कुछ लूटवाले ओके भुलाई गईना भाई हो ओके भुलाई गईना भाई एक नौजवान आके सरिता से सवाल कैलन की अरे बहिन काहे बदे रोवत बाड़ू ओ नौजवान के मुंह से जब बहिन के शब्द सरिता सुन लेबे तोड़ के पांव पकड़ के बोलती है कि भैया हमें धन दौलत रुपया पैसा सोना चारी ना चाहिए भाई पाता बता देता नौजवान वो पाता पर जब सरिता के इंजीनियर और डॉक्टर के घर पर लेकर आया बाबू तो सरिता देख रही है क्या देख रही है दोनों भोले गईला देख के दुल्हन की सूरतिया हाय रे विधाता तोहर कैसन लिखनिया कैसन कैली हमका माई हो कैसन कैली हमका माई हो हाय रे विधाता तोहर कैसन लिखनिया कैसन कैली हमका माई हो कैसन कैली हमका आय हाय बाबूजी जाके सरिता वो भैयन के दरवाजे के सामने जाके दरवाजा खटखटावे लगली दरवाजा पर आवाज देवे कि कोई घर के अंदर हो तो दरवाजा खोल दे दो दुल्हन बहुत खूबसूरत जब दरवाजा के खोलती है बाबूजी तो सरिता आवाज देने की का हो बहिन ई बहर शत्रुधन जवन इंजीनियर डॉक्टर हुन तेकरे न घर बा ए बहिन हम उनकर बहिन इतने हमरे भैया लोगन से हमरे बचवा से भेंट करा दे तू बता दे तू कि तुहार बहिन आई है आय हाय बाबूजी दरवाजा के दोनों दुल्हन चपका देती है और दोनों भाई सवाल कैलन कि के दरवाजा पीटत रहे दोनों दुल्हन के जुबान से यही निकला एक भीख मांगने वाली भिखारन बीचा के लिए ढोंग मचाई है आय हाय बाबूजी अरे जब भिखारन की आवाज सरिता सुन ले बे कलस की का हो भैया वो दिन भुला गेला कि जब बाबू माई मरलन तब बाबू माई बन गई नी तो वो लोगन के खातिर आज जीवन कुमारी रहे के कसम खा लेनी आज अपने बहिन के भिखारन कोई कहत बात तू अपने कान से सुनत हुआ तो ए बाबू आज तक से हम कुछ मंगनी ना लेकिन आज तोरे दरवाजे पर तुहार बहिन आंचल फैला के भीख मांगत बे और भीख में हमके देदा का देदा अरे हमारा के दाई दबी रनवा बजा रोपिया
महू दहाई तोहार बहिनानु हो काहे गई ना भुला बाबूजी सरिता रोवत बे आखिर में भैया तोरी दुआरी आके हम भिखारन बनल बानी। अतना आवाज जब दोनों भाइन के कान तक गईल दरवाजा खोलन कलन अरे बहिन तू आय हाय बहुत बढ़िया गलती हो गई। आवा ई फर्स्ट क्लास के एसी रूम अतना बढ़िया बंगला एमे कोई रहे वाला ना बा। भैयन के प्यार मोहब्बत में पढ़ के सरिता वही इलाहाबाद के धरती पर रहे लगली। लेकिन देखा हो बाबू धीरे धीरे 2 महीना के दिन बीतल बा, दोनों भाई ड्यूटी करे चल जा, लेकिन जवन दोनों दुल्हन बड़ी खास एक पेट के अपन बहिन रहली, आपस में दोनों समझा कहली कि आज शाम के फैसला हो के रही। दोनों भाई ड्यूटी से आई लोन न खाना देत बड़ी न पानी दे थी, खाली मुंह फुला के बैठल रही रोबत ही जर 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 जर। दोनों भाई बड़ा प्यार से पूछलन कलन का हो, अरे ऐसा सुंदर चेहरा पर आंसू शोभत ना है, काहे बदे रोवत हो, तो आवाज देती है अरे पिता है कुछ दिन सरिता के, अरे पिता है कुछ दिन सरिता के, तब आग लगी भौजाइन में, अरे नफरत का प्याला पिला दिया हुस्न वाली दोनों भाई में। जानल चाहत हुआ ना, तब जबले ये घर में तोहार बहिन रही हन तब तक से ये घर में हमन के दोनों बहिन आ रहल जी। अगर हमरी से बढ़ के अगर तोहार प्यारा तोहार बहिन है तो आ से घर में ऊ रही हमन के ना रहल जी, जहर खा के मर जाएल जी कबूल हो। आय हाय बाबूजी बारे दोनों भाई मेहरारू के बात में पढ़ के दोनों भाई कहलन अरे भग जाओ नीच मेरे बंगले से, अरे भग जाओ नीच मेरे बंगले से, तुम बहन नहीं हो नागन हो, अरे तुम तो बेस्या बनकर आई हो, मेरा दूषित हो गया आगन है। ए सरिता तू हमार उ बहिन सरिता ना रह गिल बाड़ू, अरे तुम एक बेस्या हो भिखारन हो नागन हो। अरे बाप रे बाप, भैया के बात सुन के सरिता काठ बनल बेका हो बाबू, ये का कह बड़ा हो भैया, ऐसे मत बोलो ए भैया, ऐसे मत बोलो ए भैया, ये तेरे जीभ गल जाएगी। अब जा रही है ए सरिता, कभी तेरे द्वार नहीं आएगी।
हमके का पता रहल कि हमार भाई धन के लोभी और धन के घमंड में आके अपने खून पर और अपने बहिन पर गंदा छीटा उछाल दिहन। आय हाय बाबू, अतना सरिता कहलस तबले दो मिली दोनों भौजी आके, एक मिली छोटा पकड़लस और एक मिली हाथ पकड़ के जब दुआरी से खींच के कैली हो बाबू, सरिता रोवत में का हो भैया, अगर जल्ले होती कि तोहरे दुआरी पर सरिता के ई हाल होखी तब मर गिल होती दुनिया में, कहीं जाके डूब धस गिल होती, लेकिन तोरे दुआरी जीते जीते कदम ना रखले होती। जात बानी लेकिन एक बात तो हमार सुनला, सरिता कहलस का कहलस, जवन बहन माई बन के मामता लुटावाली हो, मामता लुटावाली हो, तुए भैल कटवाया जे अपनी दुआरी बाबू जहरा पियाई बिहारा, जहरा पियाई बिहारा, कुछ नहीं रखला दिया में लेके माथा मिस्री खिलावनी है भैया, मिस्री खिलावनी हो, भूल गई बहन के प्यार जे। जात बनी भैया अब कबो तोरी दुआरी ना आई। आय हाय बाबूजी, वही से सरिता जंगल के रास्ता पकड़ के चल देती है। भगवान किस्मत जहाँ ले जाए बाहरे भगवान, आखिर ये धरती पर हम के करा खातिर जिंदा रही। बाबू माई कोई ना बचल, दो ठे भाई जेकरा खातिर पूरी जिंदगी निछावर कर देनी, वो जब घर से ठोकर मार के निकाल देलस मर गेल कबूल बा। एहर के बाद छोड़ा हो बाबू, एहर दोनों दुलही अपने सैया के साथे एकादशी के दिन हो गंगा जी के किनार पर आई नहीं नहाए, और गंगा माई से आके मन्नत मंगली कि हे गंगा माई, हमन के दोनों बहिन के अगर एक के बेटवा दे दे तू, तो ए गंगा माई नारियर चुनरी और आर पार के माला तुहे तो चढ़ाई। माई के आशीर्वाद से दोनों दुल्हन के आंचल भर गई। आज जब आंचल भरल हो बाबू, एहर तब बेटा पा के एक के बेटवा पैदा हुआ, बेटा पा के बड़ा खुश हुआ, लेकिन ओहर देखा आखिर में ओ पगली ओ गरीब के बेटी आके सरिता गई तो कहाँ गई, विदेशिया के अंदर भाव है मास्टर। दुखावा बिपतिया के अरे मारल बहन सरिता, अदेवे चलले गंगा जी में जनवारे मता फिरता आई ली आ सरिता सरिता किनारा पे आ भइल एक बुढ़िया से मी लनावा रे बाबूजी, कहे अलु जान देवे अरे बेटी यही उमरिया में आ कवन बाटे दुख की का रना बाबूजी। आय हाय बाबूजी, सरिता जंगल के रास्ता पकड़ के घूमत फिरत जाके गंगा जी के किनार पर पहुंचती है। बाबूजी सोचत बे की है गंगा माई, जब दुनिया में कोई ना बाचल, जब अपन खून और अपन भाई ये पवित्र शरीर पर गंदा छीटा उछाल देलन, तो ये धरती पर हमर जिए के कोनो हक ना बा। आय हाय बाबूजी, सरिता सोचत बे कि यही गंगा जी में कूद के हम अपन जान दे दी। जब ये गंगा जी में कूदने जाती है बाबूजी, बगल में फूल के खेत जात के एक बुढ़िया मालिन जहाँ के पीछे से बांह पकड़ के खींच रही है। सरिता रो रही है कि छोड़ दे मुझे मर जाने दे, खींच के बुढ़िया थप्पड़ मारती है, ऐ लड़की तू कहाँ के रहने वाली है, आखिर क्यों क्यों तू जान देना चाहती है रे पगली। बाबू माई बोलल हुआ ना, अरे बाप हो बाप, जब बाबू माई के बतिया सुनलस बुढ़िया के भरा कबारी धा लेलस, ना हो माई अगर ये धरती पर हमर बाबू माई होतन तो शायद ये मुड़ पर हम ना आयल होती, कोई ना बाए माई मर जाएदा,
बुढ़िया से सारा बात बताती है बाबूजी। आज जब बताती है तो बुढ़िया बताती है सरिता से, सरिता को समझाती है कि सुनो तुम एक लड़की हो, अरे तू मर जाएगी, यही से तेरा कहानी खत्म। इंसान वही के कहल जाले कि धरती पर जी के जवाब दे देवे। ए बेटी, ये धरती पर दुनिया में हमार कोई ना बा। चार साल पहले मांग के सिंदूर मिट गिल, बेटा बेटी ये कोना हुआ, आज जीवन तरसत रह गिनी। लेकिन चला हमारे संगे, नमक रोटी खाई तो है खियाई, और इज्जत से बेटी अपने झोपड़ी में तो के अपन बेटी बना के रखक। आय हाय बाबूजी, जब बुढ़िया के लेके बुढ़िया मालिन सरिता के लेके चल बे तो भइल का टेरी के अंदर भाव है। अरे राखी के की मतिया राखी, अरे राखी के की मतिया राखी, राखी में छिपल भाई बहनी के पिरिया रे पिरिया रे पिरी। आय हाय बाबूजी, एहर के बात छोड़ दा, बुढ़िया मालिन कन सरिता रहत बे, लेकिन हाउ देखा गंगा माई के आशीर्वाद से दूठे बेटा मिलल हुआ। दोनों दुलही कली का हो, रुपया कमैले से तुहे तो काम से फुर्सत ना है ना। आज के दिन बढ़िया दिन बा, बेटा पा के भुला गेल गंगा माई के आशीर्वाद है कि हम बेटा पौले है। ऐसे ही चल ना चल के गंगा माई के मनौती पूरा कर दी। आय हाय बाबू जी, दोनों दुलही दोनों बेटवन के कोरा में सजा के लेके चल ली अपने सैया के संगे। आज जब चल ली तब भइल का पपट के अंदर भाग मत। चले मनौती करने दोनों भैया दोनों लुगैया हो, आई आर पार के आइल भाषा मैया दोनों भैया। बाबू दोनों माई हो, आ गोदिया में हीरा मोती आ रहला रसाई हो, सजली फूल से पावन गंगा मैया दोनों भैया हो, आ तबले पलटी मरले बाटे अनैया दोनों भैया हो। आय हाय बाबूजी, गंगा जी के आर पार के मला चढ़ा के नौका पर बैठ के सैर करत हुन, बीच दरिया में जाकर नाय डग मंगाए लगल, मल्लाह चिल्लात हुन कि भैया एमे हमर कोनो कसूर ना है। तबले नैया पलटी मार देलस। आय हाय, आज जब नैया पलटी मरलस हो बाबू, बगल में खे मल्लाह भाई दौड़ के अपन नैया लेके अइलन, हाथ खींच खींच के अपने नौका पर करे लगलन। दोनों बाबू दोनों माई तब मिल गिलन हो बाबू जी। आय हाय रे भगवान, गजब तुहार खेल बाटे, छान बिन होते रह गिल, लेकिन उ दोनों बेटन के लाश तक ना मिलल। आज जब लाश तक ना मिलल हो बाबू, तो छाती पीट पीट के दोनों दुलही रोवत बाड़ी कि का हो गंगा माई, ये का कैलू, ये का कैलू हो माई के बेटा दे के बेटा छीन ले लू। रोवत रोवत पागल भइल हो, लेकिन बा बाहर इस जमाने के लोग अपने औलाद के खातिर अतना तड़पन, अरे ओहू तो कोई के बेटी न रहल कि बेकदर करके अपने दरवाजे से निकलन। लेकिन देखे बाबू जी, आखिर भइल का आल्हा के अंदर भाव है मास्टर। अरे विधाना के लिखना, अरे टरेला दुनिया में ये बाबू, करे उपैया चाहे ला कोई ना, मरिए जे के राम नहीं उका कोई के मारिए बाबू, सुगन्धा दोनों लसिया के ऊपर आए बाबू।
देखा लीला नवा टूटे लसिया के ऊपर आये बाबू खुद के अपने पुतिया मैं उठावली सीरी आय हाय बाबूजी बुढ़िया मालिन सरिता से कली के बिटिया हमर तबीयत खराब बा आज बड़ा जगह माला पहुंचावे के हा चल जे तू गंगा जी के किनार पर जाके खेते में उसे फूल तोड़ के ले आई तू आय हाय बाबूजी सरिता एक सुबेरे के जाके फूल तोड़ के गठरी में बांध के जब चलल तब सरिता के प्यास लग गिल सोच गिल कि सूरज के जोत सामने से लागे चेहरा के ऊपर और प्यास के बढ़ल जायी तक कहे न गंगा जी की नरवे पन है बगलिए में ही चल के दू अजूरी पानी पी के तब घर की ओर तैयारी करी किनार पे आती है बाबूजी आज जब ही अजूरी में पानी उठा के पिए गई नी तबले सरिता की निगाह ओ किनार पर गई ओ किनार पर देखत का बाड़ी कि मुगल मुर्दा पर दू ठे लड़का आ दोनों लड़का जिंदा हुन लाश किनार पर लगल है आय हाय बाबूजी दोनों लड़का रोवत हुन सरिता सोचा थे कोनो भूत बन के ना डरवावत हुन लेकिन जब लड़कन के आवाज सुनले में कलेजा फाटे लगल हमार माई मरल रहल ना यही तरह दोनों भैयन के हम आंचल में लेके पोसनी इहो तो कोई के लाले न हुन बेटे न हुन ओ पगली के का मालूम बा कि काई हमरे भाई बेटा हुआ आय है बाबूजी जान दाव पर लगा के गंगा जी में कूद जाती है और दोनों लड़कन के छान के लेके आईली तो एक काम कर देली अरे कर दिया है सूचना चारों तरफ अरे कर दिया है सूचना चारों तरफ हर स्टेशन हर थाने पर बालक उसके घर जाएंगे सुनो सही पता बतलाने पर अरे रोते धोती रंभा रीता अरे रोते धोती रंभा रीता भारत शत्रुधन आए गए माई बुढ़िया के चरणों में अपना आंसू बरस आए है अरे तबले आई है सरिता उहावा अरे तबले आई है सरिता उहावा देखकर सबको घबराई है ये तो एकलौता भाई मेरे ये तो दोनों भौजाई है चारों तरफ पेपर द्वारा और थाना द्वारा खबर दिवा देती है बाबू कि गंगा जी में से दूठे लड़का छान के लेके आइल बानी वही के हम बेटा दे आखिर में जेकर हकीकत और असलियत में बेटा हुई हन पेपर के बाद जब चारों सुनले हुन रोवत गावत बुढ़िया मालिन के बगीचा में अइलन रोवाई के आवाज जब सरिता के कान तक गइल टूटी हो झोपड़ी से निकलती है बाबूजी एक कदम जब ही घर के बाहर भइल नजर पड़ल अपने आप में कदम रुक गइल थथम जाती है आंख पे आंसू छल छला उठा इत उहे दोनों भैया हुआ ना उहे दोनों भौजी है कि अपने घर से बेसिया नागिन बना के और झोटा खींच के दुआरी से बहरी ठोकर मार के बगे देलन सरिता चिन्हत में कि हमार भैया भौजी हुन लेकिन उ चारों नहीं खसन चिन्हत कि हमार बहिन सरिता है कलश की अइला हो बाबू लेकिन बड़ा लेट कर देला तोहर बेटवा के हम ही पौले रहनी हम ही छल्ले रही गंगा जी में से लेकिन का बताई हो भैया अतना काफी पानी पी ले रहलन कि कतनो बचौनी तुहार बेटा बचल ना मर गईलन दफन कर देनी अब काम मिली देखे के लाश के अलावा कुछ ना मिली रोवत होन की कम से कम ले चल के हमर के लसिये तो दिखा दे तू आगे आगे सरिता पीछे से चारों रोवत चलल हुवन भैल का भावे मास्टर बतिया कहेली सरिता अरे पिराना से रोई के भैया आज जाइला अरे भैया आज जाइला अपने बेटा वन के खोई के भैया आज जाइला सरिता पीछे से चारों रोवत चलल हुन आगे एली टूटल झोपड़ी में हो बाबू एक चरपाई बा ओपे सफेद चादर है आ चादरिया के जब खिचली त चादर के अंदर से एक आवाज आइल बा कवन आवाज आइल माई माई के जब
आइल बाजावाजिया आ दौड़ा दौड़ गोदिया में उठाई लिहला पाजिया बाया हम बचवनी अरे तोर लाल बेस दे होई के आय हाय बाबूजी काहे के लड़का मरे जाओ बाबू भैयन से पगली बहाना कैले रहल चदरिया के खींचली जब दोनों लड़कावा माई माई कह के चिलैलन चारों दौड़ के अपने बेटावा के कोरा में लेके चुमत हुअन कला अगर आप ना हो तू तो हमर बेटा ना मिलल होतन बाहर दोनों भाई बाहर दोनों भौजाई अब तक से वो दोनों पापिन और पापी नहीं पहचान पाए कि आखिर में लड़की है तो कवन है सरिता कलश की का हो भैया अरे अपने बहिन के भुला गिला तना जल्दी वह तो हर बहिन सरिता आज तो ये बात के खुशी होत बा कि एक नागिन होते हुए और एक बेस्या होते हुए तोरे दूठे लाल के जिंदा बचा लेनी आय हाय बाबूजी आखिर उचारो कैलन का कैलन गारा वाला गैले धैले सरिता के चरानिया आ दुनिया में कहवा ऐसन पाइप जा बहिनिया पियल जाई बहिनी तोरे चरनिया के धोई के भैया आज अइला अरे भैया आज अइला अपने बेटावन के कोई के भैया आज आय हाय बाबूजी जा के सरिता के पैर पर मुड़ी पटक पटक के रोवे लगलन माफ कर दे सरिता माफ कर दे अब आज के बाद ये जंगल में ना रहे दिहल जी कलश के का हो भैया कौने घर में लिया जीबा जौने घर से हमके बेस्या बना के हाथ खींच के घर से निकाल दिहल गईल वही घर में लिया जीबा ना ना चाहिए वो बंगला ना चाहिए हम कैसन ऐसो आराम ए भैया जे हमें नई जिंदगी देलस धन बाड़ी ये मतारी बाहर बुढ़िया मालिन अगर ये माई ना हो तो कहिए गंगा जी में कूद के हम जान दे देले होती हम माई से वचन देले हैं कि जबले जियब तबले तुहार बेटी बन के ए धरती पर तुहार सेवा करब कलंक अरे बहन ना जेबू तो रोवत रोवत ही जान दे दी हल जी जब सर पटक पटक के रोवे लगलन अपने हाथ से जोन बहिन पोसले बे पलले बे दौड़ के जाके कवारी में धर लेती है कि ना भैया ना अरे जब माई मरल तो हाथ ना रोव ही ना देनी आज कैसे रोवे देवरे बाबू चलब लेकिन हम अकेले नहीं जी हमें नई जिंदगी देले बा अगर बुढ़िया मालिन के लिया के चलबा तब चलब आय हाय बाबू जी बुढ़िया मालिन के और सरिता के ले के दोनों भैया और भौजी वापस इलाहाबाद के धरती पे अइलन सब लोग मिलके एक नई जिंदगी के शुरुआत कैलन यही से ब्रह के शीर्षक रहल कुंवारी बहन आखिरी बन में भाव हो पत्तू स्वार के दुनिया छाए पर मतलब कि यार काशी बुल्लू की अब नैया अरे कैसे होई पार राखी के की मतिया राखी रजनी कभी जोखन के अनुपम बाटे दिखिया राखी के